सो फ्रेंड्स सी क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो एम होते हैं definitions होती है ब्लैंक्स होती है ट्रू और false होते हैं ये जो सारे questions हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसमें आपको 100% mark मार्क्स मिलने ही चाहिए अगर ये मार्क्स आपको मिलते हैं तो ही ऐसी चीज़ होगी कि आप 90 95 प्लस परसेंटेज स्कोर कर पा सकते हो कर सकते हो अदरवाइज सिचुएशन ऐसी होगी कि आप कुछ लेवल से ऊपर स्कोर कभी नहीं कर पाओगे तो इसलिए कुछ वीडियोस हम ऐसे लेके आए हैं कि जिससे आपके वन मार्कर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इजी हो जाएंगे तो मैं वैसे तो मैथ्स पढ़ाता हूँ बट एज यू कैन सी हियर आई एम एल ऑफ निर्मा निर्मा यूनिवर्सिटी तो निर्मा यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ आई एम ए साइंस ग्रेजुएट बेसिकली सो अलॉन्ग विथ यू नो मैथ्स साइंस इज़ माई गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू ओके सो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन साइंस एंड आई नो लॉट मनी थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट ओके सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट ओके फ्रेंड्स और टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ओके फ्रेंड्स सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू नो अबाउट एक्सप्लेनिंग द टर्म्स ओके सो वी विल बी सीइंग यू नो वेरियस टर्म्स फ्रेंड्स एंड यू नो यू नीड टू नो यू नो वॉट एग्जैक्टली इज टू बी रिटर्न वाई दिस क्वेश्चन आर आस्ट तो जब भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो एग्जैक्ट क्या लिखना है आपको हंड्रेड पता होना चाहिए तो ऐसा नहीं कि आप उस वर्ड के बारे में कुछ भी लिख दो है ना ऐसा नहीं चलेगा बिकॉज नाव यू आर इन टेंथ स्टैंडर्ड सो द थिंग्स विल भी डिफरेंट ओके सो यू हैव टू हैव द साइंटिफिक लैंग्वेज तो साइंटिफिक लैंग्वेज उसके लिए चाहिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपको लिखने ही लिखने हैं तो so मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा क्या करना है चलिए आपको स्टार्ट करते हैं ओके फ्रेंड्स सो द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन ओके फ्रेंड्स व्हाट इज द न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन साइड इट इज़ कोल्ड न्यूट्रिशन तो कुछ भी नहीं लिखना है जैसे मैंने पहले ही बोला है सो so, न्यूट्रीशन क्या है सबसे पहले इट इज़ ए प्रोसेस न्यूट्रिशन क्या है फ्रेंड्स इट इज़ ए प्रोसेस किसकी प्रोसेस है फ्रेंड्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो सोर्स ऑफ एनर्जी के ट्रांसफर करने की प्रोसेस है है ना कहाँ से फ्रॉम आउटसाइड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इन साइड है ना मतलब बाहर से जो एनर्जी का सोर्स था हमने हमारे अंदर ले लिया फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड ओके सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर किसकी प्रोसेस है ट्रांसफर क्या ट्रांसफर करना है सोर्स ऑफ एनर्जी इज टू बी ट्रांसफर्ड ओके फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन सो सेकंड क्वेश्चन इज फोटो सिंथेसिस द टर्म इज फोटो सिंथेसिस दैट वी नीड टू एक्सप्लेन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको ऑलरेडी पता है सिंस लास्ट यू नो सो मैनी स्टैंडर्ड्स यू हैव बिन स्टडिंग दिस प्रोसेस तो चलिए एक बार और देख लेते हैं वोट चेंज इट हैज इन स्टैंडर्ड टेंथ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिम्पल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो फ्रेंड्स फोटो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको वर्ड का मीनिंग बता दूँ फोटो मतलब की लाइट यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही है वो सिंथेसिस मतलब कि कुछ भी बनाना है ना तो फोटो सिंथेसिस मतलब वेन यू प्रिपेयर समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कोल्ड फोटो सिंथेसिस सो फ्रेंड्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग यहाँ पर भी प्रोसेस है न्यूट्रीशन में भी क्या वर्ड था वट वॉज द स्टार्टिंग वर्ड ए प्रोसेस तो यहाँ पे भी क्या है फोटो सिंथेसिस इट इज़ ए प्रोसेस सो ए प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इस किसका सिंथेसिस हो रहा है क्या बन रहा है सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओके दैट इज़ ग्लूकोज तो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है फ्रेंड्स ग्लूकोज ओके विद द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओके बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है आपको लिखना है जो इंपॉर्टेंट है वर्ड सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज तो किसका सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का वो क्या है सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है फ्रेंड्स बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही है सोलर एनर्जी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल ये सारी चीज़ें जो है उनकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा चले फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोट्रॉप्स नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉप्स और विच टाइप ऑफ यू नो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स चलिए देखते हैं इसका आंसर ओके फ्रेंड्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच यूटिलाइज सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं है ना ऑटोट्रॉप्स मतलब कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रेंड्स कि जो आ, क्या करते हैं यूज़ करते हैं यूटिलाइज करते हैं किसको यूटिलाइज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज को मतलब ऐसे सोर्सेज कि जो इनऑर्गेनिक हैं है ना तो आ, वो कौन से फॉर्म में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के सो यू नो द ऑर्गेनिजम्स विच आर utilizing द सिंपल inorganic फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड water है ना तो ये ऑर्गेनिक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों क्या है इनऑर्गेनिक है तो उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करके क्या करते हैं फ्रेंड्स दे यू नो सिंथेसिस द कॉम्प्लेक्स फूड तो मतलब कि वो अपने आप ही अपना फूड जो है कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसका सिंथेसिस करते हैं सिंथेसिस करना मतलब कि बनाना मैंने आपको पहले ही बताया है सिंथेसिस करना मतलब कि बनाना ओके सो फ्रेंड्स वॉट इज एपनिंग इज यू नो द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सिस एंड यू नो दे सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स फूड्स दे आर कोल्ड ऑटोट्रॉप्स ऑटो मतलब कि अपने आप चीज़ करना है ना और ट्रॉप्स मतलब कि प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स आप ऐसा बोल सकते हो मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स uh, जो है वो अपने आप ये चीज़ करते हैं मतलब कि प्लांट्स उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉप्स चले देखते हैं हेड्रोट्रोपिस जस्ट रिवर्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स ठीक है ना ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है अपने अंदर ही वो फूड बनाते हैं और अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो हेड्रोट्रोप्स में क्या होता है लेट्स सी सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच यूटिलाइज द कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल राइट दोज ऑर्गेनिजम्स विच यूटिलाइज अभी यहाँ पे यूटिलाइजेशन किसका हो रहा है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का है ना ना कि सिंपल सब्सटेंसेस का तो कॉम्पलेक्स फूड मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं यूटिलाइज़ करते हैं विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अदर एनिमल्स ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे वरना कोई मार्क नहीं मिलेगा सो इट इज़ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं उनको कंज्यूम करते हैं इनको बोला जाता है हेट्रोड्रॉप्स ठीक है ना हेट्रो मतलब कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना जैसे कि जो फूड लेंगे वो कहाँ से बना होगा वो बना होगा अलग अलग जो प्लांट से उसमें से उसका प्रोसेसिंग करके बना होगा तो वॉट वी आर डूइंग वी आर यूटिलाइजिंग द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ना वी आर यूजिंग द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म तो प्रिपेयर किसने किया है जैसे कि कोई चीज़ में प्रोटीन है आप देख सकते हो या फिर वीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो वीट जो है वो प्रिपेयर कौन कर रहा है प्लांट्स कर रहे हैं है ना सो वी आर यूटिलाइजिंग एंड वी आर यू नो ईटिंग दोज थिंग्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कोल्ड हैड्रोड्रॉप्स ओके फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज डाइजेशन ओके वर्ड इज़ वेरी सिंपल बट डेफिनेशन इज नॉट तो फ्रेंड्स uh, मैं इजी बनाऊंगा आपकी सारी डेफिनेशंस को कुछ भी चीज़ है आप मुझे पूछ सकते हो आई विल मेक एवरी थिंग ईजी ओके तो थिंग्स बहुत ही स्मूथ जाएंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग तो चले देखते हैं डाइजेशन क्या है अगेन फिर से क्या आया इट इज ए प्रोसेस लास्ट तीन क्वेश्चन से आ, हम एक ही देख रहे हैं दैट इट इज ए प्रोसेस है ना फ्रेंड्स तो ये क्या है ये भी एक प्रोसेस है डाइजेशन इज ऑल्सो ए प्रोसेस प्रोसेस बाई विच कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड ये वर्ड आपको लिखना ही लिखना है ओके okay, फ्रेंड्स तो अभी जो है आपको लिखना नहीं अभी आपको सिर्फ ये चीज़ें देखनी है तो बाकी क्या होगा कि आई विल बी गिविंग यू समाइम Uh, कि आप लेटर uh, ऑन लिख सको वीडियो को पॉज करेंगे लिखने के लिए ऐसा कुछ करेंगे बट अभी आपको लिखना नहीं है यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग यू जस्ट हैव टू फोकस और फोकस करके आपको सब कुछ जो है वो ग्रास्प कर लेना है ठीक है ना तो मग कुछ भी नहीं करेंगे सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज होना है ना जैसे कि हम फूड कंज्यूम करते हैं हम कुछ भी खाते हैं तो वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज होते हैं तो वो जब भी इंटेस्टाइन में जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं मतलब चेंज होते हैं कौन से टाइप के फॉर्म में सिंपल सोल्यूबल एंड एब्ज़ॉर्बेबल फॉर्म है ना वो सिंपल बन जाते हैं वो सोल्यूबल बन जाते हैं सोल्यूबल मतलब कि वो घुल जाते हैं ब्लड के साथ है ना तो जो प्लाज्मा होता है ब्लड होता है उसके साथ सोल्यूबल हो जाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके और एब्जॉर्बेबल भी हो जाते हैं मतलब कि उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है ठीक है ना तो टिश्यूज सेल्स जो है वो इनको एब्जॉर्ब भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एन्जाइम एंजाइम्स लिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ट्रांसफॉर्म लिखना जरूरी है तो ये जो कन्वर्जेशन होता है जो कन्वर्ट होती है चीज़ वो किसकी प्रेजेंस में होती है एंजाइम्स की प्रेजेंस में तो इसको बोला जाता है डाइजेशन ओके फ्रेंड्स मैं फिर से रिवाइज कर कर देता हूँ आपको इट इज़ अ प्रोसेस डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज और कंपोनेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड उनको चेंज किया जाता है इनटू किस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू सिंपल सोल्यूबल एंड एब्जोर्बेबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंजाइम्स की हेल्प से ही ये किया जाता है इसको बोला जाता है इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइड द लिविंग सेल तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स ये कैसे प्रोसेस है रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड सोर्स तो फूड सोर्स जो आता है वो ब्रेक डाउन होता है कैसा फूड सोर्स है ग्लूकोज है है ना तो इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लिविंग सेल तो लिविंग सेल के अंदर क्या होता है जब भी हम ऑक्सीजन ग्रास्प करेंगे मतलब कि हम ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं तो उन सेल्स के पास जो है ये ऑक्सीजन जाएगा तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब कि ग्लूकोज हैं है ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं और ये ब्रेकडाउन हो के क्या करते हैं हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं है ना इसीलिए आपको पता होगा कि जब भी आप योगा करते हो प्राणायाम करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपके अंदर जाता है तो क्या होता है कि सभी सेल के पास ये ऑक्सीजन पहुंच सकता है और जैसे ही ये होता है एज ए रिज़ल्ट क्या होता है आपको एनर्जी मिलती है एनर्जी क्यों मिलती है क्योंकि वो जो फूड सोर्स है वो ब्रेक डाउन होता है फूड सोर्स ऑलरेडी आपके अंदर ही है मतलब सेल्स के अंदर ग्लूकोज है तो वो ब्रेक डाउन होता है इट इज कोल्ड रेस्पिरेशन ओके फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर चले फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं ब्रीदिंग वट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग्स वेरी सिंपल ओके ए प्रोसेस ऑफ इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कोल्ड ब्रीदिंग अभी ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ब्रीदिंग पूछते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं विच इज नॉट नीडेड और वो नहीं करना है आपको भी तो फ्रेंड्स ब्रीदिंग uh, क्या है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन इतना ही आपको लिखना है बहुत ही सिंपल आंसर बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो uh, पिछले पाँच या छः साल में uh, कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं स्कूल की बोर्ड की तो वैसे ही क्वेश्चन हमने लिए हैं सो यू नो ऑल ऑफ यू मस्ट टेक केयर ऑफ ईच ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज ट्रांसपीरेशन चलिए देखते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर है ना तो जो लॉस ऑफ वॉटर होता है मतलब कि वॉटर जो है वो लॉस होता है किसके फॉर्म में लॉस होता है किसके फॉर्म में आ, ये प्लांट्स में से लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट एरियल पार्ट मतलब कौन से प्लांट पार्ट्स हैं कि जो एयर के साथ कनेक्टेड है एयर के साथ कनेक्टेड है उसका मतलब क्या है कि वो जमीन से बाहर है ठीक है ना तो एरियल पार्ट्स आपको लिखना ही लिखना है यहाँ पर वो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट ओके फ्रेंड्स सो यू नो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर कहाँ से लॉस हो रहा है वाटर का एरियल uh, पार्ट्स में से कौन से फॉर्म में लॉस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ द वेपर है ना तो जैसे ही uh, uh, गर्मी होती है या आपको पता होगा कि जैसे ही सनलाइट uh, बहुत ही ज़्यादा होती है तो एज अ रिज़ल्ट यू नो क्या चीज़ होती है कि लॉस ऑफ़ वाटर होता है कहाँ से लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रेंड्स प्लस के एरियल पार्ट्स में से इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन एक्सक्रीशन चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या है लेट अस सी लेट अस अंडरस्टैंड ओके फ्रेंड्स सो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इज इन्वोल्ड इन द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी अभी यहां पे जो वर्ड आ गया फ्रेंड्स वो है वेस्ट है ना तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें इन्वोल्व है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि मेटाबॉलिक वेस्ट उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में है ना मतलब कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गया उनको उसको बोला जाएगा मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजीनस वेस्ट बनता है बॉडी में जिसका यूज़ नहीं होता बॉडी में एब्जॉर्बन नहीं होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है इसको बोला जाता है एक्सक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं वो है नाइट्रोजीनस मेटाबोलिक वेस्ट ये लिखना ही लिखना है ये लिखा तो ही मार्क्स मिलेंगे वरना कोई मार्क नहीं ओके okay, तो नाइट्रोजीनस मेटाबोलिक वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकलने की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों क्योंकि बॉडी इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स बायोलॉजी इन्वॉल्व है ठीक है ना तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा एक्सक्रीशन लेट सी द नेक्स्ट वन ओके फ्रेंड्स नाउ विल बी सीइंग सम समिंगस वेरी क्विकली वेरी फास्ट ओके पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट कैन एक्ट ओनली इन डैश मीडियम ओके फ्रेंड्स आई एम गिविंग यू टेन इफ यू कैन आंसर दिस फ्रेंड्स okay, मैं बताता हूँ आपको आंसर इसका कि पेप्सिन जो है एंजाइम वो कैसा एंजाइम है कौन से मीडियम में एक्ट करेगा ये ओनली इन एसिडिक मीडियम ओके तो पेप्सिन जो है वो उसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए तभी वो एक्ट करेगा ठीक है ना चलिए देखते हैं आगे वाई देर इज ए कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट द वायरस दैट यू नो वेदर द viruses are आर ट्रूली अलाइव और नॉट तो क्या वायरस जो है वो जिंदा स्ट्रक्चर है या नहीं है उसके लिए कंट्रोवर्सी क्यों है है ना इज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्यों ऐसा है दर इज ए कंट्रोवर्सी बिकॉज वायरस डू नॉट शो एनी मोलेक्लर मूवमेंट इन दैम है ना तो वायरस जो है उनके अंदर वायरस के अंदर मोलेक्र मूवमेंट नहीं है मतलब कि जो मोलेक्लर लेवल पे आप जाओ मतलब कि बहुत ही छोटी साइज में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में इसको देखते हो बहुत ही छोटी साइज में तो मोलिकुलर मूवमेंट वहाँ पे नहीं है है ना तो वो कब तक नहीं है जब तक वो होस्ट सेल को पकड़ नहीं लेते हैं ना मतलब कि वायरस जो है वो जब भी हम हमारी बॉडी में आएंगे तो मतलब कि किसी सेल में वो आ, जाएंगे मतलब कि उसको बोला जाता है होस्ट सेल है ना जैसे कि वो हमारी आम में टच हो रहे हैं वायरस है ना कहीं से या फिर हमारे नोज़ के अंदर या फिर माउथ के अंदर जा रहे हैं तो कई सारे सेल्स से हैं वहाँ पे वो टच होंगे तो जब भी वो आ, टच होते हैं मतलब कि हमारे बॉडी में आते हैं तो क्या करते हैं होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं और जैसे ही होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें मोलिकुलर मूवमेंट आ जाता है है ना तो इसीलिए कंट्रोवर्सी है कि क्या वायरस लिविंग सब्सटेंसेस हैं या फिर वो डेड सब्सटेंसेस हैं है ना क्योंकि एज सच दे डोंट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट बट अगर वो बॉडी में आए अगर वो सेल के साथ इंटरेक्ट किए अगर वो सेल को होस्ट सेल को इन्फेक्ट किए तो क्या होगा फ्रेंड्स इन दैट केस दे विल शो ए मोलिकुलर मूवमेंट ओके फ्रेंड्स लेट्स सी द नेक्स्ट वन वाई आर मोलिक्युलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ चलिए बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ इसका आंसर कि मोलिकुलर मूवमेंट्स जरूरी क्यों है लाइफ के लिए दे आर नीडेड बिकॉज यू नो ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग सेल दे आर मेड अप ऑफ मोलिक्यूल्स तो सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मोलेक्ल से बने हैं आपको ऑलरेडी पता है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स एंड दे मस्ट मूव द मोलेक्स राउंड ऑल द टाइम तो मतलब कि होना क्या चाहिए फ्रेंड्स कि मोलेक्ल्स जो हैं वो उसकी मूवमेंट हमेशा होनी चाहिए ऑल द टाइम उसकी मूवमेंट होनी चाहिए अगर ऐसा है तो ही लाइफ है ठीक है ना क्योंकि जो लाइफ है या फिर जो सेल्स हैं वो बने हुए हैं बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो मोलिक्यूल से बने हैं चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन वॉट द सर्वाइवल ऑफ हेट्रोट्रॉप्स विल डिपेंड ओके यहाँ पर डिपेंड कर स्पेलिंग मिस्टेक है आपको करेक्ट कर लेना गिव द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म चलिए देखते हैं कि हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो है उसका सर्वाइवल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है लेट सीधा आंसर ओके फ्रेंड्स सो सर्वाइवल ऑफ हेट्रोट्रॉप डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फ्रेंड्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है ओटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है है ना उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर सर्वाइवल करना है हेड्रोट्रॉप्स को तो जो ओटोट्रॉप्स अपने अंदर फूड बनाते हैं उसको ही कंज्यूम करके ये जो सर्वाइव कर सकते हैं हेड्रोट्रॉप्स से है वो और हेड्रोट्रोप्स के एग्जाम्पल्स क्या है फ्रेंड्स एनिमल्स फंगी ये सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं है ना इवन ह्यूमन बींग्स आर हेड्रोट्रॉप्स कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना फूड कंज्यूम करने के लिए वी आर नॉट मेकिंग अवर ओन फूड इन अवर ओन बॉडी फंक्शन क्या, क्या होते हैं जो स्ट्रोमाटा होते हैं स्ट्रोमेटा मतलब कि ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं कि जहां से जो प्लांट्स है वो पानी ले सकते हैं या पानी को एक्सक्रीट कर सकते हैं है ना एटमोस्फियर में से तो उन पोर्स होते हैं उनको बोला जाता है स्टोमाटा तो स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का फंक्शन है वो कौन करते हैं गार्ड सेल है ना गार्ड सेल वैसे नाम से ही क्लियर है क्योंकि गार्ड जो है वो कहाँ पे रहता है डोर पे रहता है है ना तो वो क्या करता है ओपनिंग और क्लोजिंग करता है है ना तो इसीलिए गार्ड सेल का फंक्शन बहुत ही सिंपल है स्टोमाटा पोर ये वर्ड को स्टोमाटा पोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस आंसर चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन वट इज़ द असेंशियलिटी ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट तो नाइट्रोजन एलिमेंट जो है उसकी असेंशियलिटी क्या है चलिए देखते हैं इसका आंसर नाइट्रोजन इज एन असेंशियल एलिमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो है वो नेसेसरी है बहुत ही नेसेसरी है किसके लिए नेसेसरी है सिंथेसिस के लिए सिंथेसिस मतलब कि बनाना मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ क्या बनाना है प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स तो प्रोटीन या दूसरे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन एलिमेंट बहुत ही जरूरी है मतलब कि अगर आप साइंस लेते हो तो बहुत ही सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स और प्रोसेस आते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन यूज करके आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यूज द पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी तो हमको ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम देने हैं कि जो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं है ना चलिए देखते हैं इसका आंसर सो फ्रेंड्स द आंसर इज यू नो कस्कटा इस लीच एंड टेपोम आप कसकटा याद रख सकते हो क्यों ये क्या होता है फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते अपना फूड खुद नहीं बना सकते तो उसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स वट विल बी द रिजल्ट उनको न्यूट्रिशन कहीं और से लेना पड़ेगा है ना तो वो कैसी स्ट्रेटेजी करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी पैरासाइटिक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं पैरासाइट मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होना है ना तो पैरासाइटिक स्ट्रेटेजी वो यूज़ करते हैं और पैरासाइटिक स्ट्रेटेजी यूज़ करके वो मतलब कि अपना जो फूड है वो दूसरों में से मतलब कि दूसरे जो एनिमल्स हैं दूसरे जो प्लांट्स हैं उसमें से जनरेट करते हैं है, उस उसमें से कंज्यूम करते हैं है ना तो इनको बोला जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रेटिव स्ट्रेटेजी ओके फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इट इज पेरासाइटिक न्यूट्रेटिव स्ट्रेटेजी ओके चले friends, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हाउ ए फूड वेक्यूअल इज फॉर्म्ड इन अमीबा तो अमीबा के अंदर फूड वेक्यूअल जो है वो कैसे बनता है दैट इज द क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं फूड वेक्यूल आपको ऑलरेडी पता है वैक्यूल इज अ बैग वैक्यूल का मीनिंग क्या होता है बैग तो फूड वैक्यूअल जो है अमीबा के अंदर कैसे बनता है लेटेस्ट सी एंड लेटे अंडरस्टैंड फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स सो अमीबा टेक्स इन द फूड यूजिंग द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ओके तो यू ऑलरेडी नो यू नो सूडो इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यू नो विच इज़ यूज बाई अमीबा इन यू नो टेकिंग द फूड ओके सो सूडोपोडिया जो एक्स्ट्रा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया और उनका यूज़ करके ही अमीबा जो है वो फूड uh, पार्टिकल्स जो हैं वो फ्यूज करते हैं ठीक है ना चलिए फ्रेंड्स इज इक्वेश्चन ओके फ्रेंड्स लेट्स लास्ट टू टू थ्री क्वेश्चन वॉट इज पेरासाइट पेरीस्टेटिक मूवमेंट ओके पेरिस्टेटिक मूवमेंट सॉरी सॉरी फ्रेंड्स सो वॉट इज पेरीस्टेरेटिक मूवमेंट चलिए समझते हैं क्या है वो तो रिदमिक मूवमेंट पहले तो वो कौन सी मूवमेंट के रिदमिक मूवमेंट वो रिदम के साथ चलती है ओके विच इज शोन बाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मोलिक्यूल्स ओके तो जो मोलिक्यूल्स होते हैं किसके मोलिक्यूल्स मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री लाइन एलिमेंट्री कैनल जो हमारे ट्रैक में होती है एलिमेंट्री ट्रैक में होती है उस कैनल में जो कॉन्ट्रेक्शन और आ, आ, जो रिलैक्सेशन होते हैं मसल्स के उससे क्या होता है कि जो फूड है वो पुश होता जाता है नीचे की तरफ है ना तो ये जो रिदमिक मूवमेंट होती है मसल्स की है ना कहाँ पे होती है इन लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल तो उसको फ्रेंड्स बोला जाता है क्या पेरीस्टेटिक मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है पेरास्टेटिक मूवमेंट तो आपको लिखना है वो चीज़ है लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल वो लिखना ही लिखना है आपको चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन वॉट कोजिस एसिडिटी इन दसिडिटी जो है वो कौन कोज करता है या किसकी वजह से कॉज होती है चलिए देखते हैं इसका आंसर इट इज़ कोज ड्यू टू एक्सेस सीक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक अभी फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है कि स्टमक के अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं है ना तो वो एसिड्स जो होते हैं वो क्यों यूज होते हैं डाइजेशन uh, में यूज होते हैं स्टमक के एंजाइम्स के साथ uh, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो अगर एक्सेस एसिड जो है वो सीक्रेट हो गया मतलब कि एक्सेस एसिड जो है वो निकल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में तो क्या होगा फ्रेंड्स एसिडिक एन्वायरमेंट बढ़ जाएगा वहाँ पे और एसिडिटी जो है वो होगी दैट इज ए क्लिनिकल कंडीशन ओके सो इट इज कोज्ड ड्यू टू एक्सेस सीक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए मस्ट वर्ड विच यू हैव टू राइट इन दिस आंसर चलो फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का द सब्सटेंस यूज इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है फ्रेंड्स द आंसर इज ग्लूकोज सो सेल्युलर रेस्परेशन मतलब कि सेल के लेवल पर जो रेस्परेशन होता है है ना मतलब सेल जो भी रेस्परेशन करेगा अंदर की तरफ आप अगर देखो तो वो जहाँ से एनर्जी लेगा उसके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ ग्लूकोज ओके फ्रेंड्स सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट सेशन फ्रेंड्स आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा uh, कुछ वीडियोज़ हम दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी रखने वाले हैं यूट्यूब में भी रखने वाले हैं तो ऐसे वीडियोज आप शेयर कर सकते हो बाकी मेजोरिटी ऑफ़ द वीडियो जो हमारे होंगे वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही एक्सक्लूसिवली होंगे वो दूसरों को हम शेयर नहीं करेंगे ओके फ्रेंड्स सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर गौरव मेहता टुडे थैंक यू